अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू बोंडा। कैसे बनाए चलो हम वीडियो में जाते हैं। पहले हमने थोड़ी आलू लिए और हमने कुकर में बॉईल करके रखे और हमने इसकी पील्स भी उठाए और हम इस आलू को हमें प्रेस करके ब्रेक करना है। हमने ब्रेक कर लिया और हमने एक ऑनियन लिया बड़ा सा और इसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया और एक ग्रीन चिली लिया, इससे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। हमने पहले ऑयल डाला और इसके बाद हमने मस्टर्ड सीड डाला और हमने ऑनियंस डाला और हमने चिली एक फ्राई करके डाला। हम फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद हमें टर्मरिक पाउडर डालना है। हमने डाला, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमें इसके अंदर नमक डालना है और फ्राई कर देना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने नमक 1 टेबलस्पून डाल लिया है। अब हमें पोटैटो इसके अंदर डालना है और फ्राई कर देना है। अब हमें फ्राई अच्छी तरह कर देना है। अब हमें मिक्स करना है। अब हमें अच्छी तरह ब्रेक डाउन करना है ऐसे। अब हमें छोटे छोटे बॉल्स में करना है। हमने सब पोटैटो को छोटे छोटे बॉल्स में कर लिया। पहले हमें 1 कप छोलदार ओट उठाना है और 1/2 कप राइस फ्लोर उठाना है और हमें छोलदार ओट और राइस फ्लोर को मिक्स करना है और हमें नमक डालना है थोड़ी सी और चिली पाउडर भी डालना है। चले देखिए, हमें डाल के मिक्स करना है और हमें थोड़ी सी चिली पाउडर डालना है, 1 टीस्पून डालना है। और हमें थोड़ी सी नमक भी डालना है। हमें जो हमने बॉल्स करके रखे हैं ना, अब हमें जो हमने आलू के बॉल्स रखे हैं, अब हमें इसके अंदर डिप करना है। हमें ऑयल पैन के अंदर डालना है और हमें इसे हीट थोड़ी देर करना है। हमें इस आलू को ऑयल के अंदर डालना है। देखिए हम डाल रहे हैं। बहुत मजा आएगा इस आलू पकौड़ा में। हमें फ्राई कर दिया है। हमें कलर आना चाहिए गोल्डन ब्राउन कलर। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है, आप देखें। अब गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए आलू बोंडा रेडी हो गया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।